यदि जीव अंश होता तो अविनाशी न होता। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जिसे सिद्ध हो कि एक ही वस्तु अंश और अविनाशी दोनों हो। अंश होगा तो अविनाशी नहीं होगा, अविनाशी होगा तो अंश नहीं होगा। अंश का अर्थ है टुकड़ा, टूट करके अलग होने वाला, जैसे टूटा है वैसे और टूट जाएगा। तो जीव ना अंश है ना अंशी है, यह नित्य है, स्वयंभू है, इसलिए अमर है, अविनाशी। लेकिन अपने उस अमर स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए नाशवान शरीर में मोह बन गया है। शरीर में रहते रहते यह भाव गहराई से गड़ा हुआ है कि मैं शरीर हूं। जीव स्वरूप से अमर है लेकिन अपने स्वरूप का पता नहीं है, इसलिए मानता है मैं शरीर हूं, और शरीर अमर होगा नहीं। वह शरीर को अमर बनाना चाहता है और शरीर है नाशवान, और नाशवान शरीर के प्रति जब मोह होगा तो सदैव भय बना रहेगा कि मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं। शरीर में रहते रहते जिसने शरीर के मोह का त्याग कर दिया और अपने अनाशी स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया, उसमें मन स्थित हो गया, उसका मृत्यु भय समाप्त हो जाता है। साहब ने पद में कहा है, हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा, राम मरे तो हमहू मर जेबे, राम न मरे तो हम काहे को मरबे। साकत मैं नहीं मरूंगा तो मरेगा कौन, मरे हैं संसारा, ये संसारी बुद्धि वाले लोग मरेंगे, जो ये मानते हैं कि मैं शरीर हूं और शरीर द्वारा इंद्रियों का भोग भोगना जीवन का उद्देश्य है, वे मरेंगे, रोज मर रहे हैं वो। मैं तो शरीर भाव से ऊपर उड़ गया इसलिए मैं क्यों मरूंगा। हमको मिला जियावन हारा, हमको जिलाने वाला मिल गया, कौन, राम। राम मरे, यदि राम मर जाएगा तो मैं भी मरूंगा, और राम नहीं मरेगा तो मैं भी नहीं मरूंगा। राम और मैं, राम और जीव अलग अलग नहीं है, एक ही है। राम अविनाशी है, अमर है, और राम मेरा स्वरूप है तो मैं क्यों मरूंगा। तो जीव अविनाशी है, लेकिन साहब कहते हैं कहू अमर, कहो अमर जीव, कहो तुम कहां लगे हुए हो। जिसमें तुम लगे हुए हो, जिसमें तुम मोह कर रहे हो, वे सब के सब नाशवान क्षणभंगुर। जब सदा साथ रहने वाला शरीर ही नाशवान है तो शरीर संबंधित अन्य प्राणी पदार्थ नाशवान होंगे ही होंगे। जहां जहां हमारा मोह बना हुआ है, लोभ बना हुआ है, जिसको जिसको हम अपना मानते हैं, थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक उस पर विचार करिए कि उसमें अविनाशी सदा रहने वाला क्या है। कुछ भी अविनाशी नहीं है, स्थिर रहने वाला नहीं, सब के सब नाशवान है। पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक सब नाशवान, और उन्हीं नाशवान के प्रति हमारा मोह
बना हुआ है, रात दिन हमारा मन उसमें डूबा हुआ है, तो भय नहीं होगा तो और क्या होगा, चिंता नहीं होगी तो क्या होगी। सारी चिंता नाशवान वस्तुओं के लिए होती है, जितना मोहग्रस्त होगा मन उतने चिंता से पीड़ित रहेंगे, उतना भयभीत रहेंगे। जो मिला हुआ है उसका भी आनंद नहीं ले पाओगे, चिंतित और भयभीत मन आनंद से सुख से जीना कहाँ जानता है। तो नाशवान प्राणी पदार्थों में मोह होने के कारण हमारे मन में भय और चिंता बने होते हैं। भय चिंता है तो तनाव रहेगा, द्वंद रहेगा, मन कला से पीड़ित रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं तुम अमर हो। नाशवान पदार्थों में मुंह बना बना करके अपने को दुखी मत करो, पीड़ित मत करो, ऊपर उठना होगा सारे लोभ और मोह से। चेतन हारा चेत सुभागा, सदगुरु कहते हैं तुम चेतने वाले हो, जागने वाले हो, सौभाग्यशाली हो, चेत जाओ, जग जाओ। हर जीव चेतन हारा है, चेतन हारा चेतने वाला, जागने वाला, ज्ञान स्वरूप, ज्ञानवान। और हर मनुष्य सौभाग्यशाली है, क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में विवेक का उदय है, मनुष्य शरीर कल्याण भूमिका है। मनुष्य के अलावा अन्य जितने भी प्राणी हैं वे विवश हैं, उनका जो कुछ है प्रकृतिगत है। वहाँ विवेक जागरण की भूमिका नहीं है, क्योंकि मानवता खानियों में मन अविकसित मन है, मनुष्य खाने में विकसित मन। इसलिए मनुष्य शरीर का पाना सौभाग्य का पाना, क्यों सौभाग्य का पाना है कि इसमें कल्याण की पूरी सामग्री हमें उपलब्ध है। और कल्याण मन से होता है, विवेक से होता है, बाहरी चीजों का कल्याण नहीं होता। जो आदमी चाहे वह कल्याण कर सकता है, गरीब से गरीब और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी कल्याण कर सकता है। दुनिया में सबसे सरल काम जिसके लिए पढ़ाई लिखाई रुपये पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है वह है कल्याण का काम। कल्याण काम से सरल काम दुनिया में और कोई काम नहीं है। क्यों? इसके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरत नहीं है, पैसा जरूरत नहीं है, इतना पैसा होगा तब कल्याण होगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी पढ़ाई होगी, इतनी डिग्री होगी तब कल्याण होगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कल्याण का रुपये पैसे से, पढ़ाई लिखाई से, पद से, परिवार से, प्रतिष्ठा से, दुनिया के वैभव से कोई संबंध ही नहीं है। गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़, कुरूप से कुरूप और बलहीन से बलहीन आदमी भी कल्याण का काम कर सकता है, हाँ यदि उसकी बुद्धि बराबर काम कर रही हो, उसके पास विवेक हो। तो यहां तक असाध बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो बिस्तर पर ही पड़ा हुआ है,
भीतर से उठ बैठ नहीं सकता, खाना पीना टट्टी पेशाब सब कुछ बिस्तर पर है, लेकिन उसका मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, तो वह भी कल्याण का काम कर सकता है। उसी बिस्तर पर पड़े पड़े सबका मोह छोड़ दे, सोच ले जिस शरीर को मैं अपना मानता था, जिस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए, जिस शरीर के भोग के लिए मैं इतना छल छद्म किया, लड़ाई झगड़ा किया, मोह ममता किया, आज उसी शरीर ने मुझे इतना लाचार कर दिया कि मैं दूसरों के विवश हो गया। दूसरा मुझे खिलाए तो खाऊं, पिलाए तो पीऊं, दूसरा मुझे टट्टी पेशाब साफ करे तो मैं साफ रहूं, इतना विवश अभी शरीर के कारण। ऐसा सोचकर उसी बिस्तर पर पड़े पड़े शरीर का मोह छोड़ दे, वही मुक्ति हो जाएगी। कितना सस्ता है कल्याण का काम, थोड़ा सा सोचें तो। सबसे सरल काम कल्याण का काम है। और हर आदमी कल्याण कर सकता है, इसीलिए मनुष्य शरीर का पाना सौभाग्य का पाना है, महासौभाग्य का फल है, और किसी के लिए नहीं। धन का पाना, पद का पाना, परिवार पाना, यह सौभाग्य की बात नहीं है। विवेक का जागरण होना, कल्याण साधना का काम होना, यह सौभाग्य की बात है। और कोई भी मनुष्य जग सकता है, जागने की शक्ति है, क्योंकि जीव तो ज्ञान मात्र है ही, ज्ञान स्वरूप है ही। साहब कहते हैं चेतन हारा चेत सुभागा, ए मनुष्य तुम चेतने वाले हो, जगने वाले हो, जग जाओ, तुम सौभाग्यशाली हो जो आत्म शरीर में आए हुए हो। इसलिए नाशवान प्राणी पदार्थों शरीर संसार का मुंह छोड़ो और जग करके अपने अविनाशी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। किसी भी आदमी को अपने को अभागा नहीं मानना चाहिए। अभागा क्यों है आप? धन नहीं है इसलिए अभागे हैं? धन का ना होना अभाग्य नहीं है। पद का ना होना, प्रतिष्ठा ना होना, विद्या ना होना, परिवार ना होना, ये दुर्भाग्य की बात नहीं है। पशुओं के पास क्या है? कुछ तो नहीं है। अभाग्य है, दुर्भाग्य है दुर्बुद्धि का होना, दुर्भाग्य है मन का वासनाओं से ग्रसित रहना, दुर्भाग्य है दुर्वचनों में दुराचरण में पड़े रहना, दुर्भाग्य है कलह कल्पना में पड़े रहना, लड़ाई झगड़े में पड़े रहना। अब इसको आप छोड़ सकते हो? दुर्भाग्य हम बनाते हैं मनुष्य शरीर पा करके, अन्यथा मनुष्य शरीर में आना ही सौभाग्य की बात है। अपने को बलहीन ना माने, कमजोर ना माने, अभागा ना माने। कल्याण करने के लिए आप में पूरा साहस है, व्यक्ति व्यक्ति में साहस है। जगें, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त परानी बोधत, ऋषि कहते हैं उठो जागो और गुरुजनों के पास जाकर के बोध प्राप्त करो। अमर मध्य दिशे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। यहां अमर का अर्थ है आकाश। पहली पंक्ति में अमर का अर्थ है अविनाशी जीव, अमर आत्मा। दूसरी पंक्ति में अमर का अर्थ है आकाश। अमर मध्य दिशे तारा, जितने भी तारे हैं, ग्रह नक्षत्र कहाँ दिखाई पड़ते हैं? आकाश में। आकाश मतलब शून्य पोल, ऊपर हम जो कुछ देखते हैं सब आकाश ही है, और सारे ग्रह नक्षत्र तारे वहीं स्थित हैं।
ये रूपक है। आकाश को छोड़ करके ग्रह नक्षत्र तारे कहाँ रहेंगे, कहाँ स्थित, कहाँ घूमेंगे? आकाश में तो रहेंगे, आकाश से बाहर भी कोई तारा है, एक कल्पना है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जहां है वहां आकाश है। आकाश का मतलब होता है जो सबको अवकाश दे, जो सबको जगह दे, वो आकाश। तो सारे के सारे तारे आकाश में दिखते हैं, आकाश से बाहर कुछ नहीं है। इसी प्रकार सारे ज्ञान विज्ञान कला कौशल का आधार कौन? ये जीव। जैसे आकाश को छोड़कर के कोई तारा बाहर स्थित हो नहीं सकता है, ऐसे ही जीव को छोड़कर के बाहर ज्ञान का कोई निधान, कोई आधार नहीं मिलेगा। ज्ञान का आधार है तो जीव ही है। सारे मत पंथ संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाला, चलाने वाला जीव है, मनुष्य है, मनुष्य जीव है। सारे ग्रंथ पंथ, जितने भी किताबें हैं, लिखने वाला कौन? मनुष्य। जितनी कला कौशल है, उनका उद्घाटन करने वाला कौन? मनुष्य। जितने धार्मिक स्थल हैं, बनाने वाला कौन? मनुष्य। स्वर्ग नरक की कल्पना करने वाला कौन? मनुष्य। देवी देवता की कल्पना करने वाला मनुष्य। भगवान भगवती मानने वाला मनुष्य, न मानने वाला भी मनुष्य। मन बदल गया, मानना छोड़ दिया। तो सारे ज्ञान विज्ञान का निधान, आश्रय स्थल ये जीव ही तो है। जीव को छोड़ करके आपको कुछ कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अंतर क्या है जीव में? और जीव में खाद, जीव तो अन्य जो जीव है मनुष्य खाने से बाहर, वे समझ नहीं सकते। समझने की शक्ति मनुष्य के पास है, तो मनुष्य में अंतर क्या है? मूल रूप में जितने मनुष्य हैं सब एक समान हैं, लेकिन एक समान होते हुए भी अंतर है। वो अंतर क्या है? एक चेता एक चेतमन हारा, एक जगाने वाला है एक जगने वाला है, एक चेत गया है और एक चेतने वाला है, एक पढ़ाने वाला है एक पढ़ने वाला है, एक सिखाने वाला है एक सीखने वाला है। बस अंतर इतना है, जो जाग गया है, चेत गया है, पढ़ लिया है, सिखा रहा है, उसे हम गुरु कहते हैं। जिसे जिसे जागना है, सीखना है, पढ़ना है, उसे शिष्य कहते हैं। बस गुरु और शिष्य के बीच में ही ज्ञान का आदान प्रदान होता है। चाहे स्कूलों में जाओ, चाहे सत्संग में जाओ, चाहे और कहीं जाओ। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी मनुष्य, पढ़ाने वाला शिक्षक मनुष्य, दोनों तो मनुष्य ही है मूलतः। पढ़ाने वाले जो शिक्षक है वो है, वो पढ़ लिया है, विद्यार्थी को अभी पढ़ना है। ऐसे ही जिसे अपने स्वरूप का बोध हो गया है और जो ज्ञान वैराग्य की रहनी में रह रहा है, वो गुरु है, और उनके पास जो रह करके सीख रहा है वो शिष्य है, लेकिन है तो दोनों मनुष्य। आज जो अध्यापक है, पहले एक दिन वह भी कभी विद्यार्थी था, आज जो विद्यार्थी है कभी एक दिन वो अध्यापक हो जाएगा, आज जो गुरु है पहले एक दिन वह भी शिष्य था, और आज जो शिष्य है
और एक दिन गुरु हो जाएगा। मूल में अंतर नहीं है। कहना ये चाहिए जो अज्ञान में जी रहा है, अविवेक में जी रहा है, जिसका मन दुख से ग्रस्त है, वो शिष्य है। जिसने अपने अज्ञान को अविवेक को दूर कर दिया, जो ज्ञान में विवेक में जी रहा है, जिसके मन का दुख खत्म हो गया है, वह गुरु है। अंतर इतना है, जो दुखी है वो शिष्य, जिसका दुख मिट गया है वो गुरु, कपड़ा चाहे जैसा हो। गुरुत्व कपड़े में नहीं है, शिष्यत्व भी कपड़े में नहीं है। किसी भी कपड़े में गुरु हो सकता है और किसी भी कपड़े में शिष्य हो सकता है। हमारे कपड़े में भी शिष्य है और आपके कपड़े में भी गुरु है। क्यों? गुरुत्व जीव का स्वभाव है, जीव का स्वरूप है। गुरुत्व हर व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ है, निहित है। आवश्यकता उद्घाटन करने की है। जितने अपने गुरुत्व को उद्घाटन कर लिया वो गुरु हो गया, जीवन मुक्त हो गया, कृतार्थ हो गया, दुख मुक्त हो गया। और जिसका गुरुत्व ढका हुआ है, छिपा हुआ है, मोह के आवरण में पड़ा हुआ है, वो शिष्य है, वो दुखी हो रहा है। फर्क इतना ही है और फर्क नहीं है। गुरु की शरण में रहते रहते शिष्य जग गया और जग करके उसी स्थिति में पहुंच गया जिस स्थिति में गुरु हैं, तो दोनों वहां समान हो गए। देह भाव से गुरु शिष्य का भाव रहे, व्यवहार रहेगा, लेकिन स्वरूप स्थिति में वहां गुरु शिष्य कुछ नहीं है। पारख में हम तुम हैं एका, देह भाव से भिन्न विवेका। पारख में समता हुई जाई, देह भाव में रहे गुरु भाई, ऐसा कुछ है। देह भाव में एक शिष्य है, एक गुरु है। पारख भाव में, कल्याण दशा में गुरु शिष्य दोनों बराबर, न कोई गुरु है न कोई शिष्य है। कल्पना करें, हम सब यहां बैठे हुए हैं ध्यान करने के लिए, ध्यान शिविर में भाग ले रहे हैं। सोचें, ध्यान करते करते जितने लोग यहां बैठे हैं, सबके एक ऐसी दशा आई कि सबका मन पूरा का पूरा शांत हो गया। किसी के मन में किसी प्रकार का कोई विचार, संकल्प, स्मरण नहीं रह गया। बिल्कुल मन निर्विचार, निसंकल्प हो गया। तो वहां पर न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई बूढ़ा है, न कोई बालक है, न कोई साधु है, न कोई गृहस्थ है। सबकी दशा एक समान हो गई, क्योंकि मन ही नहीं रह गया। तो है तो कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन साधु, कौन गृहस्थ, कौन बूढ़ा, कौन बालक, कौन जवान। मन जागृत है तब तक विषमता है, विभेद है, फर्क है। और सबका मन पूरी तरह शांत हो गया, निर्वासना स्थिति में पहुंच गए, निर्विचार। वह सारी विषमता मिट गई, सारा भेद, सारा फर्क समाप्त हो गया। सब दशा एक समान, समझे की गति एक है। जिन समझौर कबीर कहते हैं, जितने समझदार हैं सब दशा एक हो गई। तो एक चेता एक चेतवन हारा। मूल रूप में तो सभी जीव ज्ञान स्वरूप है, लेकिन शरीर संबंध से किसी का ज्ञान ढका है, किसी का उद्घाटन है। उद्घाटन जहां हुआ है उसमें भी किसी ने अपने ज्ञान का उद्घाटन कम किया है, किसी ने ज्यादा किया, किसी ने पूरा कर लिया है। तो एक चेता एक चेत गया, जग गया, वो गुरु है, उपदेशक है। एक को भी जगना है, अभी अज्ञान के मोह की नींद में वो सो रहा है, वो शिष्य है।
अंतर इतना ही है। जो शिष्य है वह भी जग सकता है, जगना है उसको भी। इसलिए मूल रूप में किसी भी आदमी को छोटा मत मानो, हीन मत मानो, किसी आदमी को हीन मानना, छोटा मानना, ये हमारे मन की कमजोरी है। व्यवहार में पिता है, पुत्र है, पति है, पत्नी है, गुरु है, शिष्य है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, ये व्यवहार के लिए है। लेकिन किसी को तुच्छ मत समझो, वह भी आपके समान पवित्र है, वह भी आपके समान निर्मल है, ज्ञानवान है। किसी को है दृष्टि से देखना अपने मन का अज्ञान। और किसी के है दृष्टि से देखते जाएंगे बिना मतलब अहंकार पैदा होगा, कौन छोटा है यहां पर? कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा भी नहीं है। छोटा वह है जिसका मन मोह माया राग रंग में डूबा हुआ है। छोटा वह है जो दूसरों को छोटा समझता है, दूसरों को तुच्छ समझता है, हीन समझता है, पापी समझता है, वह छोटा है। और जिसका मन ज्ञान में विवेक में जी रहा है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, सबसे प्रेम का व्यवहार करता है, वो बड़ा है। मन को छोटा ना बनाए और स्वयं छोटा ना बने, हीन भावना ना लाए। कोई यहां विजाति नहीं है, कोई है, कोई दूसरा नहीं है, सब सजाती है। इसमें सदगुरु कबीर जो कहते हैं कि एक चेता एक चेतवन हारा, तो शरीर संबंध से कहते हैं भाई कि शरीर संबंध से एक गुरु है, एक शिष्य है, एक पढ़ने वाला एक पढ़ाने वाला है। गुरु शिष्य को छोटा ना समझे, वह भी उसी के समान ही है। पढ़ाने वाला पढ़ने वाले को छोटा ना समझे, वह भी उसी के समान है। और छोटा समझ करके हे ना करो, तिरस्कार ना करो, अनादर ना करो। अनादर करना अपनी कमजोरी है, अज्ञान अविवेक। आप तो समझदार बन गए हैं ना। जो समझदार का अर्थ क्या होता है? किसी को छोटा न समझना, हे नीच तुच्छ न समझना, सब में समता का भाव। आत्मवस्वरूभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। जो सभी आत्म जीवों को अपने समान समझता है, जैसे मैं हूं वैसे यह, मूल रूप में सब निर्मल है ही, छोटा बड़ा यहां कौन है, वही ज्ञानी है। जो खोजो सो ऊहा नाही, सो तो आही अमर पद माही। जो खोजो, जिसे तुम खोजते हो, वह ऊहा नाही, वो वहां नहीं है। आदमी क्या खोजता है? सुख, आनंद, शांत, मोक्ष, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, और सब एक बात है। अलग अलग अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं, लेकिन मूल दृष्टि से देखोगे तो सब एक बात है। सुख, आनंद, शांति, मोक्ष, परमात्मा, ये अलग अलग नहीं है, मूल एक में एक बात। तो हम हर समय खोज रहे हैं। क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि हम दुखी बने हैं। क्यों दुखी बने हुए हैं? क्योंकि अज्ञानी हैं, मोही हैं, लोभी हैं। अज्ञान लोभ मोह का त्याग कर दें, दुख का कोई कारण ही नहीं है। यहां साहब कहते हैं जो तुम खोज रहे हो वह वहां नहीं है। वहां का अर्थ क्या है?
प्रत्यक्ष और परोक्ष। संसार, दुनिया और आकाश, इले ऊ व्यवहार साहब ने कहा है। ई मतलब दुनिया है, ऊ मतलब आकाश है, स्वर्ग है। पहले आदमी सुख कहाँ खोजता है, आनंद कहाँ खोजता है? दुनिया में, इंद्रियों के भोगों में, देखने सुनने खाने पीने आदि में। आज तक दिखते सुनते खाते पिए आए हैं, इंद्रियों भोग भोगते आए हैं, कितना सुख मिला आपको, कितना आनंद आपने बटोरा है? 2-4-10 किलो या कुछ तो बटोरा होगा। अरे जीवन निर्वाह की चीजें हैं, व्यवहार के लिए है। इन्हें सुख ने दुनिया में कहीं चले जाओ, दुनिया के किसी भोग में, किसी प्राणी में, किसी पदार्थ में आपको सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आभास होता है, भ्रम होता है, प्रतीति होती है। यदि किसी भी पदार्थ या प्राणी में सुख होता तो सबके लिए सुखदायी होता वह। जैसे पानी सबके लिए शीतल होता है, आग सबके लिए गर्म होती है, ऐसे कोई चीज़ बताएंगे आप कि सबके लिए सुखदायी हो, सबके लिए आनंददायी हो? कुछ नहीं बता सकते। होता क्यों है? जब हमारे मन में किसी व्यक्ति से मिलने की इच्छा होती है, किसी पदार्थ को पाने की इच्छा होती है, तो इच्छा होते ही हमारा मन चंचल हो जाता है, व्याकुल, उद्विग्न हो जाता है। और फिर जब मन चंचल हो गया, व्याकुल हो गया, उद्विग्न हो गया, तो दुख शुरू हो गया। अभी तक आपने जब उस प्राणी और उस पदार्थ को पाने की, मिलने की इच्छा जब नहीं की थी, तो उसके संबंध में आपको कोई दुख नहीं था। जैसे इच्छा हुई, मन चंचल हुआ, बहिर्मुख हुआ, उद्विग्न हुआ, अब दुख पीड़ा का अनुभव होने लग गया, व्याकुल हो गया है मन, तब आपने उसकी खोज की, वो प्राणी कहाँ है, वो पदार्थ कहाँ है, व्याकुल उद्विग्न बनकर आप उसकी खोज कर रहे हैं। आपकी खोज पूरी हो गई, जिससे मिलना चाहते थे वो व्यक्ति मिल गया, जिसे पाना चाहते थे वो पदार्थ मिल गया, तो हुआ क्या? उस प्राणी, उस व्यक्ति, उस पदार्थ के मिलने, मिल जाने पर आपके मन की जो बहिर्मुखता थी वो मिट गई, चंचलता थी, उद्विग्नता थी, वो मिट गई, मन शांत हो गया, सुख आ रहा है मन की उस एकाग्रता से, उस शांति से, अंतर्मुखता से। हमने अपने क्या मान लिया? उस प्राणी से आ रहा है, उस पदार्थ से आ रहा है, उससे नहीं आ रहा है। उसके मिलने पर हमारा मन जो चंचल था, वो चंचलता खत्म हो गई, मन एकाग्र हो गया, उसी व्यक्ति में, उसी पदार्थ में केंद्रित हो गया, उद्विग्नता समाप्त तो हो गई। जब उद्विग्नता ही नहीं है, व्याकुलता ही नहीं है, चंचलता ही नहीं है, तो क्या रहेगा? सुख तो रहेगा ना। तो सुख हमारे मन की एकाग्रता का है। हम मानते हैं उस व्यक्ति से आ रहा है, उस पदार्थ से आ रहा है, वहां नहीं है, वो एक आभास है, प्रतीति है बस। तो पहले हम सुख खोजते हैं दुनिया के प्राणी पदार्थों में, भोगों में, लेकिन इनको भोगते भोगते, इनका संपर्क करते करते जब मन संतुष्ट नहीं होता, जैसा चाहिए वैसा सुख नहीं मिल पाता, तब हम कहते नहीं, यहां सुख नहीं, सच्चा सुख, सच्चा सुख तो ऊपर होगा। फिर स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं, और फिर वहां देवी देवता भगवान भगवती की कल्पना करते हैं, वो परोक्ष में चले गए। पहले रहा प्रत्यक्ष, इंद्रियों से प्रतीतमान, इंद्रियों से ग्राह्य जो कुछ है प्रत्यक्ष है, इंद्रिय भोग,
अब इंद्र से ऊपर उठ करके मन में जो कल्पना करते हैं स्वर्ग देवी देवता ईश्वर ब्रह्म आदि, वो परोक्ष हैं, उनसे मुलाकात नहीं होती, परस्पर संबंध नहीं हो सकता, बस कल्पना करते रह जाते हैं, वहाँ भटकते रह जाते हैं। लेकिन भटकते रह जाते हैं उस सुख आनंद शांति का अनुभव नहीं कर पाते। सदगुरु कबीर कहते हैं जो खोजो सो हुआ नहीं, जिस सुख को तुम खोज रहे हो, आनंद को मोक्ष परमात्मा को खोज रहे हो, वह न तो इंद्रियों के भोगों में है, न कहीं ऊपर आकाश मन की कल्पना में है, दोनों जगह भटकाव है। तब कहाँ है वह? सो तो आही अमर पद माही, अमर पद में है। वह अमर पद कौन? अमर आत्मा, आपका अस्तित्व, उसे चाहे जिस शब्द से कहना चाहो, जीव पद, अविनाशी पद, अमर पद, आत्म पद, चेतन पद, ब्रह्म पद, परम पद, वो आपसे अलग नहीं है, आपका होना है, अपने में लौटने पर ही वो सुख मिलेगा, और बाहर कहीं मिलेगा नहीं, चाहे कुछ भी कर ले। उसी अमर पद के लिए अनेक शब्द गढ़े गए हैं, लेकिन शब्द तो बनते बिगड़ते रहते हैं, तत्व तो वही रहता है, मूल पदार्थ वही रहता है। जब प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों से हम मन को घुमा लेते हैं, दोनों का मोह छोड़ देते हैं, भटकाव छोड़ देते हैं, तो शेष रहता है अपरोक्ष, अपना होना, स्वयं का होना। स्वयं अपरोक्ष अगर होता है स्वयं प्रत्यक्ष, इंद्रियों से जो पकड़ने में आता है वह पर प्रत्यक्ष है, मन से पकड़ने में आता है वह भी पर प्रत्यक्ष है। मन और इंद्री दोनों शांत हो गए तब जो है क्या रह गया? स्वप्रत्यक्ष, अपरोक्ष, वो आपका स्वयं प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष वही है अपना अमर पद, आपका होना, आपके स्वरूप, स्थिरता वही है। और स्थिरता में ही सुख है, चंचलता में कहीं सुख नहीं है, सुख का आभास है बस, सुख स्थिरता में है। और स्थिर रहने वाला क्या है? स्थिर रहने वाला एक रस, हर व्यक्ति का अपना आपा, अपरोक्ष बोध, भटकना नहीं है। इले साहब ने कहा है, हमारी भटकाव को देख करके कहा और वास्तविकता कहा, जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां है तहां ले पहचानी। जहां कुछ भी नहीं है वहां आदमी ने सब कुछ जान लिया है। जहां का मतलब कहां है? बाहर, शरीर अल्प, जवानी अल्प, शरीर का रूप सौंदर्य अल्प, पद अल्प, प्रतिष्ठा अल्प, गुरुवाई अल्प, धन अल्प, सब शासन अल्प, स्वामित्व अल्प, बल अल्प, सब कुछ तो अल्प है। उन्हीं अल्प पदार्थों में हमने सब कुछ मान लिया है, ये जीवन का सार है, इसी में सुख है। लेकिन हम समझ नहीं पाते, जो अल्प है वो तो अल्प ही रहेगा, पर्याप्त कैसे होगा, पूरा कैसे होगा, अल्प अल्प ही रहेगा, और अल्प से मिलने वाला सुख भी अल्प ही होगा। लेकिन हमने वहां सब कुछ मान लिया, अल्प में सब कुछ मान ला, अल्प में पूरा मानना, यही दुख और भटकाव का कारण है, ये बंधन का कारण है। साहब कहते हैं वहां से हटो, जहां है तहां ले पहचानी, जहां है वहां पहचानो। जो चीज जहां मिलेगी, जहां मिल सकती है उसको वहीं खोजो ना। चीज है कहीं
खोजते हैं, कहीं मिलेगी कैसे? वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हा, सज्जन सोईसरा ये पारख राखे साथ। जहां नहीं है वहां खोज कर रहे हैं, जिंदगी बीत जाएगी मिलेगी कैसे? जहां है वहीं खोज करें तो थोड़े समय में मिल जाएगा। कहां है वह? भीतर, बाहर नहीं। बाहर जहां तक दौड़ेंगे अल्प 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 ही होगा, पूर्णता भीतर है, अंतर्मुक्ता में है। और भीतर जो अंतर्मुक्ता है वही अमर पद है। सो तो आही अमर पद माही, वह सुख वह परमात्मा वह मोक्ष भीतर है, अमर पद में, अपने आप में, अपने अस्तित्व में है। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एके हुई। इस अमर पद को बुझेगा कौन? ये जो मोक्ष पद है, शाश्वत पद है, आनंद पद है, परम पद है, इसको बुझेगा कौन, समझेगा कौन, इसे पाएगा कौन? बुझने का मतलब क्या है? पा करके ठहर जाना। हमारे सिद्धांत को कहा जाता है पारख। हमारी किताबों में देखते होंगे, देखो वहां पर स्तंभ है, उसमें भी लिखा है पारख। पारख का अर्थ क्या है? पा करके रख, यही पारख है। अपने जो स्वरूप का बोध पाए हो ना, गुरु से जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को पाए हो, रख लो अपने में, जीना शुरू कर दो, आप भी पारखी बन गए। हम पा करके खो देते हैं। गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात तो कही, कब तक? हाल के अंदर और बाहर खो दिए, रख नहीं पाए उसको बाहर। जो भीतर मिला है ना उसको बाहर भी रख लो, आप पारखी बन जाओगे। पा करके रख लो बस पारखी, और इसमें का पाना क्या है? तो साहब के मैं ये कह रहा था कि कहीं कबीर पद बूझे सोई, इस अमर पद को, इस मोक्ष पद को कौन कौन बूझेगा, कौन समझेगा, कौन इसमें स्थित होगा? मुख हृदय जाके एक होई, जिसके मुख में और हृदय में एक जैसा भाव है, जैसे मुख से वाणी से ज्ञान की बातें कही जा रही है, वैसे ही हृदय में रहनी हो, जीवन की रहनी हो। जस कथनी तत् करनी, जस चुंबक तत् ज्ञान, कथनी के अनुरूप करनी जिसकी हो, वो वही उसी का मुख और हृदय एक है। अब मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हो काहो मोहि नहीं जाना। हजूर कबीर कहते हैं जिसके मुख में तो कुछ और बात है, हृदय में कुछ और बात है, वह सपने में भी आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को, गुरु ज्ञान को समझ नहीं सकता है। दुर्भाग्य यह है, हम जानते कुछ हैं, मानते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, सब में अंतर है। हमारा ज्ञान मुख का ज्ञान है, वाणी का ज्ञान है, होठों का ज्ञान है, और होठ का मुख का ज्ञान काम नहीं आएगा। होठ और मुख के ज्ञान से दुख दूर नहीं होगा, होठ और मुख के ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा, वो मिलेगा हृदय के ज्ञान से। और हृदय के ज्ञान का अर्थ होता है उस भाव में जीवन जीना। हृदय का ज्ञान का अर्थ होता है हृदय का शुद्ध हो जाना, पूर्ण पवित्र निर्मल हो जाना। मुख से हम निर्मलता की पवित्रता की बात कह रहे हैं, और हृदय में विषय वासना भरी हुई है, अंत ममता भरी हुई है। तो आत्म तत्व को, परम तत्व को, अमर पद को हम समझ कैसे सकते हैं? कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एक हुई। सदगुर कबीर कहते हैं मुख और हृदय एक, कथनी करनी रहनी की एक रूपता। कहने में कठिनाई, कहने में तो बहुत सरलता है, पढ़ लिए, सुन लिए, अभ्यास कर लिए, अब बढ़िया से बढ़िया उदाहरण दे करके कह दिए, लोग खुश हो गए,
पूजा मिल गई, प्रतिष्ठा मिल गई, रुपया पैसा मिल गए, हमने मान लिया बस हमारा काम पूरा। हम इसी में भूले हुए हैं। जो हम कहते हैं उसको हमें जीना है, ये भाव हमारे हृदय में नहीं आता। हमारा सारा का सारा ज्ञान दूसरों के लिए है, और जो ज्ञान मुख का ज्ञान है वह ज्ञान उधारी का ज्ञान है। और उधारी चीजों से तृप्ति नहीं मिलेगी, उधारी चीजों से पूर्णता नहीं मिलेगी, नगद ज्ञान हो। नगद ज्ञान कौन? जो हम जी रहे हैं, जो हमारे जीवन में उतर गया, वह ज्ञान नगद ज्ञान है। उसी नगद ज्ञान में पूर्णता है, वही में स्थिरता है। और उसी का अर्थ है मुख्य हृदय एक का एक होना, कथनी और करनी की एक रूपता होना, समानता होना। ज्ञान की बात तो बहुत लोग कह देते हैं, क्या लगता है ज्ञान की बातें कहने में? अहंकार हो जाता है, अपने को ज्ञानी होने का अहंकार हो जाता है, हम बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी हैं तो दुखी क्यों हो रहे हैं? ज्ञानी हैं तो भयभीत क्यों हैं? ज्ञानी हैं तो चिंतित क्यों हैं? क्यों मुंह में डूबा हुआ है मन? ज्ञान का अर्थ है मन का निर्मोह हो जाना, निश्चिंत निर्भय हो जाना, दुख मुक्त हो जाना। जब वो ज्ञान हृदय में आ जाएगा, उस भाव में हमारा मन निरंतर रमने लग जाएगा, तब वह ज्ञान हमारा ज्ञान होगा। और हम जो नगद ज्ञान होगा, नगद ज्ञान हो गया, जी लिया, बस अमर पद मिल गया, मोक्ष पद मिल गया, कहीं भटकना नहीं है, पाना कुछ नहीं है, मिला मिलाया है, समझना है। और समझ करके उस रहनी में रहना होगा। रहनी में रह गए तो मानो सब मिल गया। रहनी में रह गए, गुरु मिल गए, कबीर मिल गए, संत मिल गए, परमात्मा मिल गया। हम रहनी के साथी, रहनी रहे तो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। सद्गुरु कबीर कहते हैं जो रहनी में रहता है वो हमारा गुरु है, क्योंकि मैं रहनी का साथी हूँ। जैसी रहनी कबीर साहब की थी, जैसी रहनी हमारे पूर्व संतों की, जीवन मुक्त संतों की थी, और जिस रहनी की बात सद्गुरु कबीर ने बताई है, यदि हम आज अपने को उस रहनी के अनुसार ढाल लिए, हमारी वैसी रहनी बन गई, तो हम कबीर साहब के साथी बन गए। भले कबीर साहब का शरीर आज से 500 साल पहले छूटा, ये जो अभी 2018 चल रहा है, कबीर साहब के सर्रांत की 5वीं सदी है ये। 1518 में कबीर साहब का शरीर छूटा माना जाता है, अब 2018 चल रहा है, तो कबीर सद्गुरु कबीर के सर्रांत की ये 5वीं शताब्दी है। तो 500 साल पहले सद्गुरु कबीर का शरीर छूटा है, लेकिन आज हमारी रहनी वैसी रहनी बन गई, तो अभी भी कबीर साहब हमारे पास में हैं, हम उनके साथी बन गए हैं। उसी से काम बनेगा, उसी के लिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, कहें कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एक हुई। उस अमर पद को, कबीर पद को, मोक्ष पद को, जी पद को वही समझेगा, वही उसको प्राप्त करेगा जिसके मुख और हृदय में एक जैसा भाव है। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कहीं दुराव छिपाव नहीं, कहीं अहंता ममता नहीं, मन का पूर्ण निर्मल निर्विकार निश्चल निर्द्वंद सत्यपरायण होना, यही मुख और हृदय का एक जैसा होना है। सद्गुरु कबीर का एक पद मैंने कहा, कहू हो अमर कासों लागा, चेतन हारा चेत सुभागा, अमर मध्य दिशे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा, जो खोजो सो उहुआ नाही, सो तो आही अमर पद माही, कहें कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एक हुई। हमें समझना है
जैसे हम ज्ञान की बातें कह रहे हैं उसी भाव को अपने हृदय में धारण करके जीवन बनाना है, यहीं आकर के पूर्णता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को आज इस समय विराम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।